सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में, और मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक और एडिटोरियल सेशन के साथ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन पे। जी हाँ, एज यू ऑल नो, ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक, एवरीबडी इज अटेंडिंग हिज और हर क्लास ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज गूगल मीट, जूम एट्सेट्रा। सो टुडेज आर्टिकल इज बेसिकली अबाउट ऑनलाइन एडुकेशन, हाउ इट इज अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइन, स्ट्रीम्ड एडुकेशन इज डाइल्यूटेड एडुकेशन। स्ट्रीम्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर फ्लो ऑफ वाटर, यू कैन से लाइक रिवर। So basically, if I relate this with respect of online education, then it is associated with flow of data. Data का जो प्रवाह है, ऑनलाइन में जो डाटा का प्रवाह है, तो ऑनलाइन एडुकेशन जो है वो कैसा है? डाइल्यूटेड एडुकेशन है। डाइल्यूटेड मीन्स टू रिड्यूस इंटेंसिटी और क्वालिटी ऑफ समथिंग बाय मिक्सिंग समथिंग। किसी भी चीज की इंटेंसिटी, मतलब उसकी जो पावर है, उसकी जो वैल्यू है, उसको रिड्यूस कर देना कोई दूसरी ऑब्जेक्ट या चीज उसके साथ मिक्स करके। थोड़ा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ। हमारे पास प्योर एसिड जो लेबोरेटरी में होता है, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, और उसमें अगर आपने वाटर मिक्स कर दिया तो हम उसको कैसा एसिड बोलते हैं? डाइल्यूटेड एसिड। क्योंकि वाटर मिक्स करने से जो ओरिजिनल एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है, उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो इसी तरीके से जो ऑनलाइन एडुकेशन है वो कैसा एडुकेशन है? डाइल्यूटेड। क्योंकि जो क्वालिटी क्लासरूम में मिलती है, उस क्वालिटी को क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। अ मॉडल बेस्ड ऑन सोशल डिस्टेंसिंग ओनली एंड्स अप वीकनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लासरूम बीइंग एन इसेंशियल लेबोरेटरी। अब ध्यान से समझिए, जो ऑनलाइन एडुकेशन मॉडल है जिसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिस सीरियस सिचुएशन ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, तो सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ने जो है कमज़ोर कर दिया है। किसको कमज़ोर कर दिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम में जो टीचिंग होती थी ऑफलाइन, उसके कॉन्सेप्ट को कमज़ोर कर दिया है। बीइंग एन इसेंशियल लेबोरेटरी, इसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है इसेंशियल, क्योंकि ओ एल सफिक्स से एंड हो रहा है। तो क्लासरूम जो है वो एक जरूरी संसाधन है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और ऑनलाइन एडुकेशन ने क्लासरूम टीचिंग को कमजोर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। देर आर ब्रॉडली टू काइंड्स ऑफ हेलमेट्स, नेमली वन विच प्रोटेक्ट्स योर हेड एंड द अदर विच प्रोटेक्ट्स योर वॉलेट। दो तरीके के हेलमेट बेसिकली हम लोग जानते हैं। ब्रॉडली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, तो ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, ब्रॉड एडजेक्टिव है। तो एक बड़े पैमाने पे, अगर एक बिगर सिनेरियो में, यहाँ इसका मीनिंग क्या आएगा? इन अ बिग सिनेरियो और इन अ बिग परस्पेक्टिव, बड़े सिनेरियो पे या बड़े दृष्टिकोण पे बात की जाए तो दो तरीके के हेलमेट हर व्यक्ति जानता है। वन विच प्रोटेक्ट्स योर हेड, जैसा कि आप टू व्हीलर राइड करते समय हेलमेट यूज करते हैं जो आपके सर को प्रोटेक्ट करता है। एंड दी अदर विच प्रोटेक्ट्स योर वॉलेट, और दूसरा हेलमेट है वो जो आपको दिखाई नहीं देता है और वो आपके वॉलेट को बचाता है। मतलब वॉलेट पे बचाने का मतलब है कि आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है, उस पर कैप लगा देता है। दीज टू काइंड्स कैप्चर द डिफरेंस बिटवीन टू आर्टिफैक्ट्स विच लुक द सेम एंड गो बाई द सेम नेम। अब यहाँ पे हेलमेट से इसको क्यों कंपेयर किया है ऑथर ने? क्योंकि ये दोनों, कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, टू होल्ड, तो
तो ये दोनों जो हेलमेट्स हैं वो कैप्चर करते हैं, होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे हेलमेट्स के थ्रू ऑफलाइन एडुकेशन और ऑनलाइन एडुकेशन को रिलेट किया जाएगा। आर्ट फैक्ट्स का मतलब होता है ऑर्नामेंट और वेपन, ऑर्नामेंट और वेपन। तो जो ऑनलाइन एडुकेशन है और ऑफलाइन एडुकेशन है, ये दो अलग अलग हेलमेट्स की तरह हैं, विच लुक द सेम, जो एक जैसे नज़र आते हैं एंड गो बाय द सेम नेम, और एक ही नाम से प्रदर्शित होते हैं, बट कैन नॉट बी मोर डिसिमिलर, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, सिमिलर का मतलब होता है सेम, और मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया है, डिस प्रेफिक्स इसके मीनिंग को अपोजिट कर देगा, चेंज कर देगा। तो डिससिमिलर का मतलब हो जाएगा अनलाइक, आप बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट, आप बोल सकते हैं डिफरेंट। तो ऑनलाइन एडुकेशन और ऑफलाइन एडुकेशन दोनों आपस में काफी अलग हैं, काफी डिफरेंट है। सो व्हाट देन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अब सवाल ये है कि दोनों में अंतर क्या है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है यूजफुल, उपयोगी। तो जो सबसे उपयोगी और जरूरी है इज दैट ऑफ डिजाइन इंटेंशंस, कि दोनों को डिजाइन करने का और दोनों को बनाने का इंटेंशन क्या है। इंटेंशन को आप हिंदी में बोलते हैं इरादा, इंग्लिश में इसके सनोनिम्स हो जाएंगे एम, आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, आप बोल सकते हैं ड्रीम, ये सारे इसके सनोनिम्स की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है ऑनलाइन एडुकेशन में और ऑफलाइन एडुकेशन में, वो है कि किस इंटेंशन से उनको डिज़ाइन किया गया है। वन इज डिज़ाइन कीपिंग सेफ्टी इन माइंड, मेड ऑफ ड्यूरेबल इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग मटेरियल दैट हैज़ बीन थॉरली टेस्टेड टू बी सो। अब इसमें जो ऑफलाइन एडुकेशन है उसको डिज़ाइन किया गया है, सॉरी ऑनलाइन एडुकेशन की बात हो रही है, कि ऑनलाइन एडुकेशन को डिज़ाइन किया गया है सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, क्योंकि स्कूल में बहुत एक सर मास गैदरिंग होती है, तो वहाँ पे COVID-19 का फैलने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑनलाइन एडुकेशन डिज़ाइन किया गया है सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, मेड ऑफ ड्यूरेबल, और ये लंबे समय तक चले। ड्यूरेबल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, एडजेक्टिव की तरह काम करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग मटीरियल दैट हैज बीन थॉरली टेस्टेड टू बी सो, और इसका जो इम्पैक्ट है ऑनलाइन एडुकेशन का, इसको भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया गया है थॉरली। थॉरली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब, इसका मीनिंग होता है डीपली, कि इसको एक डीप लेवल पे टेस्ट किया गया है और तैयार किया गया है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल था, बट द मेन थिंग इज दैट ऑनलाइन एडुकेशन कैन नॉट रिप्लेस ऑफलाइन एडुकेशन। जी हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन केवल एक फैसिलिटी है उन लोगों के लिए जो अनेबल हैं ऑफलाइन एजुकेशन लेने में, बट ऑफलाइन एडुकेशन इज अ नेसेसिटी फॉर अ स्टूडेंट, बिकॉज जिस कंफर्ट के साथ वो वहाँ पे टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपने सवाल रख सकता है, उसका कभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच पेशेंस के साथ सुनने के लिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको एडिटोरियल का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।